सैयद शुजा जो अमेरिका में रहकर लंदन में कांग्रेस पार्टी का नेता कपिल सिब्बल समक्ष में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ऊपर जो आरोप किया है, मैं हैदराबाद में 11 लोगों को रिवॉल्वर से हत्या किया हूँ, वहीं मेरा साथी लोग, और उसके संदर्भ में किशन बाग में भी प्लांटेड एक कम्युनल क्लासेस क्रिएट करके एक 11 लोगों का जो हत्या किया गया उसमें भी मैं प्लांट किया बोल के जो आरोप मेरा ऊपर आया है। आपका सरकार थी ये प्रांत में, आपका सरकार थी दिल्ली में, आपका सरकार थी, आपका सरकार में आपका ऑफिसर्स काम कर रहे, जब विपक्ष में रहने वाले हमारा पार्टी कैसा ईवीएम को टैम्परिंग किया है, कैसा मैं 11 लोगों को ये टैम्परिंग के विषय पर सैयद शुजा उनका फॉलोअर्स को मैं हत्या किया हूँ, मैं अब तक कोई मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस भी नहीं है, मैं कांग्रेस का जैसा कोई हथियारी भी नहीं हूँ, कांग्रेस के नेता बहुत तेलंगाना आंध्र में भी बहुत हत्या किया है, मैं ऐसा भी नहीं हूँ, उसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। अगर ईवीएम को हम टैम्परिंग कर सकते तो हम तेलंगाना में 17 सीट्स में एक ही सीट हम जीते हैं जो सिकंदराबाद, जो असेंबली में 190 में मैं 5 सीट जीता हूँ, अगर ईवीएम टैम्परिंग कर सकते तो मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी बनता था, सरकार मेरा आता था, 17 सीट्स भी तेलंगाना में जीतते थे। मैं कांग्रेस से यही सवाल कर रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश कैसा जीते अभी टैम्परिंग करके जीते क्या?